मंगवाया है, डबल प्रोटेक्शन वाला लंच बॉक्स, तो आपकी बुक्स, आपका लैपटॉप, ये सब बिल्कुल ही सेफ रहेगा आपको बिल्कुल। तो विंटर के टाइम पे ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। हाय गाइस फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे लंच बॉक्स की तलाश कर रहे थे तो आज आपकी तलाश हो जाएगी पूरी, क्योंकि मैंने आपके लिए मंगवाया है डबल प्रोटेक्शन वाला लंच बॉक्स जिसमें लीकेज की प्रॉब्लम 100% तक सॉल्व हो गई है। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के कहने पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, उसके बाद जो मुझे लंच बॉक्सेस मिले वो मुझे अच्छे लगे। मैंने 4 कंपार्टमेंट्स वाले मंगवा लिए ताकि ऑफिस या कॉलेज गोइंग के लिए सही हो, 3 कंपार्टमेंट वाले मंगवाए जो कि किड्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, साथ में 5 कंपार्टमेंट वाले मंगवाए अगर आप ज़्यादा अमाउंट में खाना कैरी करते हो तो ये सूटेबल है। 3 कंपार्टमेंट वाले मैंने 2 मंगवाए हैं क्योंकि अलग अलग सेलर्स के अलग अलग प्राइस थे, तो मैंने कंपेयर करने के लिए 2 मंगवा लिए। मुझे सारे लंच बॉक्स रिसीव हो गए हैं और सबसे पहले मैं रिव्यू करूंगी इस कैंटो बेंटो लंच बॉक्स का जो कि 5 कंपार्टमेंट वाले लंच बॉक्स हैं और सबका ब्रांड सेम है। सेलर्स भले ही अलग अलग हों बट ब्रांड सेम है और ये कोई कोलैबोरेशन या फिर स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्वालिटी वाइज तो आप देख रहे होगे लंच बॉक्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। साथ में यहाँ पर आपको लिड में एक एयर के लिए एयर विंट मिलता है जिससे कि अगर आप खाना गरम गरम भी पैक करते हो तो लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, एयर निकल जाएगा। यहाँ पर आपको एक रबड़ का गैस्केट भी मिल जाता है जो ईजिली आप क्लीन कर सकते हो और ये गैस्केट बहुत अच्छा काम करती है लीकेज से बचाने के लिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होगे 5 कंपार्टमेंट वाला लंच बॉक्स है, लंच बॉक्स के अंदर भी आपको एक लंच बॉक्स मिल रहा है, यही है डबल प्रोटेक्शन लंच बॉक्स, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर आप लिक्विड भर भर के ले जाओगे फिर भी लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। भले इस कटोरी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन हमें इसके साथ फाइट तो करना है नहीं। तो यहाँ पर आपको इसमें भी एयर विंट मिलता है अगर आप गर्मा गर्म कुछ भी लिक्विड चीज़ भी इसमें भरते हो तो लीकेज की प्रॉब्लम से बचाने के लिए आपको एयर विंट दिया गया है यहाँ पर, जो कि आप इजीली निकाल कर वॉश कर सकते हो। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आगे सारा चेक करके प्रूफ दिखाऊंगी कि लीकेज हो रही है या नहीं। आप क्वालिटी वाइज देखो, स्टील की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, साइज सफिशियंट है, 2 लोगों का खाना इसमें आराम से आप कैरी करके ले जा सकते हो। इसके बाद आप साइज़ जो है इसमें मेंशन किया हुआ नहीं था, आप मेरे हाथ में देख करके समझ पा रहे होंगे कि साइज़ क्या है इसका। इसके बाद आपको अंदर भी एक मिलता है चॉपस्टिक जो कि स्टेनलेस स्टील का दिया गया है, साथ में मिलती है एक स्पून और एक फोर्क, सारे ही स्टेनलेस स्टील के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। आपको जो लोअर बॉक्स है ना, जो सबसे नीचे वाला बॉक्स है, इसके अंदर आप गर्म पानी डाल करके खाना अपना गर्म भी कर सकते हो, आगे मैं आपको करके भी दिखा दूंगी। तो ये तो रही इस लंच बॉक्स की खासियत, आगे मैं चेक करूंगी कि ये लंच बॉक्स कितना अच्छा काम करता है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा था ये। नेक्स्ट बात करते हैं टोक्यो बफेट लंच बॉक्स जो कि सेम ब्रांड का है और ये है 4 कंपार्टमेंट वाला लंच बॉक्स और ये भी डबल प्रोटेक्शन के साथ में आपको मिलता है। ढक्कन सेम वैसा ही है जैसे कि पहले मैंने आपको 5 कंपार्टमेंट वाले में दिखाया था। दूसरा वाला जो आपको लंच बॉक्स अंदर के साइड में मिलता है, इसकी क्वालिटी थोड़ी बेहतर लगी मुझे 5 कंपार्टमेंट वाले लंच बॉक्स की छोटू वाली कटोरी से। और इसके ढक्कन में आपको ना टॉप पर एयर विंट नहीं मिलता है, साइड में आपको एक छोटा सा होल मिलेगा जो कि एयर विंट का काम करेगा। इसमें भी आपको रबड़ का गैस्केट दिया गया है जिसकी वजह से लीकेज की प्रॉब्लम को मिनिमम किया जा सके। इसके अंदर भी आपको एक फोर्क, एक स्पून और एक चॉपस्टिक मिलता है एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको दिखाया फर्स्ट वाले में। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वालिटी सेम मिलती है, बस यहाँ पर 4 कंपार्टमेंट है, पहले आपको मैंने 5 कंपार्टमेंट वाला दिखाया। नेक्स्ट हम चलते हैं लिटिल ओसाका लंच बॉक्स जो कि सेम ब्रांड है अगेन एंड ये 3 कंपार्टमेंट लंच बॉक्स है। ये मैंने किड्स को नज़र में रखते हुए मंगवाया है और इसके अंदर आपको डबल प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स, लेकिन सेम वैसा ही ढक्कन आपको दिया जा रहा है जैसे कि पहले मैंने आपको 2 लंच बॉक्सेस में दिखाए हैं और सेम क्वालिटी आपको स्टील की मिल रही है। ये नहीं कि छोटा है तो क्वालिटी में कुछ कमी की गई हो, ऐसा नहीं है। अंदर भी आपको 3 फोर्क स्पून और चॉपस्टिक मिलेंगे जैसे कि आपको मैंने पहले दिखाया है। तो ये तो रही 3 तरह के लंच बॉक्स की बात। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 2 लंच बॉक्सेस मंगवाए थे 2 अलग अलग सेलर्स के जिसका कॉस्ट अलग अलग था। तो जिसका कॉस्ट ज़्यादा था उसने मुझे ब्लू वाले लंच बॉक्स भेजे और जिसका कॉस्ट कम था उसने मुझे ये पिंक वाला लंच बॉक्स भेजा है। बट अगेन दोनों लंच बॉक्स में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा कलर को छोड़ करके, क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ कलर का डिफरेंस है। और एक बात और है कि आप कलर इसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, रैंडमली ही वो आपको कलर
भेजते हैं। अब चलो हम चेक कर लेते हैं कि लीकेज की क्या बात है। तो सबसे पहले मैं 5 कंपार्टमेंट वाले लंच बॉक्स का छोटू वाला बॉक्स लेती हूँ और इसके अंदर भर दिया है मैंने पानी। और हर बार की तरह मैं आपको इसे हिलाकर घुमाकर चेक करके दिखाऊंगी कि पानी इससे बिल्कुल भी नहीं गिर रहा है फ्रेंड्स। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ ना, बड़े वाले जो 5 कंपार्टमेंट वाला लंच बॉक्स है इसमें मैंने 2 कंपार्टमेंट्स में ही पानी भरे ताकि मैं कंपार्टमेंट्स के बीच में सेपरेशन है कि नहीं वो चेक कर सकूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंपार्टमेंट्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं है। अगर आप एक कंपार्टमेंट में लिक्विड कुछ भी फिल करते हो तो वो सब में मूव कर जाएगा। इसलिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ लिक्विडी ऑयली ले रहे हो, कैरी कर रहे हो, तो आपको जो छोटू वाला बॉक्स प्रोवाइड किया गया है आप उसमें ही सिर्फ फिल करो। इसकी एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी फ्रेंड्स कि बाहर की साइड कोई लीकेज नहीं हो रही है। मैं इसे शेक कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, पानी बाहर की साइड में नहीं आया। तो आप इस तरह से लंच कैरी कर सकते हो। जैसे मैंने ड्राई चीज़ें जो है बाकी बॉक्सेस में भरी हैं और एक जो पनीर की सब्ज़ी थी काफ़ी लिक्विडी ऑयली थी तो उसको मैंने अंदर वाले प्रोटेक्शन वाले बॉक्स में डाल दिया है ताकि ये जो लंच बॉक्स है बिल्कुल सेफ हो जाए और आप इसको घुमाकर फिराकर जैसे भी चाहो बैग में कैरी कर सकते हो, ऑफिस कॉलेज कहीं भी ले जा सकते हो। आपको बिल्कुल इसे हॉरिजॉन्टली कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले मैंने कई सारे लंच बॉक्सेस किए हैं जहाँ पर हॉरिजॉन्टली कैरी करने के लिए कहा जा रहा था, वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जा रहा था फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट मैं ये 4 कंपार्टमेंट वाला लंच बॉक्स जो है ना इसको भी आपको सेम तरीके से चेक करके दिखा देती हूँ। उस वाले में आपको कहीं पर भी लीकेज नहीं दिखी थी। यहाँ पर छोटे वाले बॉक्स में थोड़ी सी लीकेज मुझे दिखी है बट इसके बाद भी मैं आपको ये लंच बॉक्स सजेस्ट करूँगी, वो क्यों मैं आगे आपको बताऊँगी। तो फ्रेंड्स मैंने ये वाला चेक कर लिया, उसके बाद आप कंपार्टमेंट्स भी मैं चेक कर लेती हूँ। जैसा कि पहले कंपार्टमेंट में 5 कंपार्टमेंट वाले में हुआ था कि पानी एक दूसरे में फ्लो हो रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हो रहा है सेम, क्योंकि कंपार्टमेंट्स के बीच में कोई सेपरेशन है ही नहीं तो ऐसा होगा ही होगा। तो आपको क्या करना है, छोटा वाला जो आपको बॉक्स दिया गया है सिर्फ उसमें ही लिक्विडी चीज़ आपको फिल करनी है, बाकी में नहीं। और ऐसे ही आप यहाँ पर देख रहे होगे बाहर की साइड में कोई लीकेज नहीं हुई, मतलब पानी जो है कंपार्टमेंट्स में मूव कर रहे हैं बट वो बाहर की साइड नहीं आ रहे हैं। तो आपकी बुक्स, आपका लैपटॉप, ये सब बिल्कुल ही सेफ रहेगा, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात मुझे इसके अंदर में यही लगी फ्रेंड्स। अब मैं क्या करूँगी ना, आपको इसके अंदर में खाना भी डालकर चेक करा देती हूँ। हो सकता है कि दाल थोड़ा बहुत निकल के चावल में मिक्स हो जाए, जो कि हमें ऑलरेडी मिक्स करके ही खाना होता है, मजाक कर रही थी। तो यहाँ पर क्या है ना, आप खाना गर्म भी कर सकते हो। नीचे वाले कंपार्टमेंट में यानी जो प्लास्टिक वाला है उसमें आप गर्म पानी डालो और 10 मिनट से 15 मिनट बाद आप देखोगे कि इस तरह से आपके बॉक्स में जो है ये स्टीम भर जाएगा, भाप भर जाएगा और आपका खाना जो है वो हल्का सा गुनगुना हो जाएगा। बहुत ज़्यादा वार्म नहीं होगा बट हाँ बिल्कुल ठंडा भी नहीं रहेगा, हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, लिप वार्म हो जाएगा और आप इस खाने को फ्रेश खा सकते हो। तो विंटर के टाइम पे ये मुझे बहुत अच्छा ऑप्शन लगा। अभी विंटर भी चल रहा है तो आप इस लंच बॉक्स को बिल्कुल ग्रैब कर लो, अपना लो, मुझे तो बड़ा ही मज़ेदार लगा ये। और थोड़ा बहुत जो अंदर के लंच बॉक्स में मतलब छोटू वाले में लीकेज हो भी रही थी तो टेंशन वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो लीकेज हो करके अंदर ही रहेगा, बाहर कहीं आना है नहीं। और उसके बाद मैंने जब दाल डाल के चेक किया तो वो लीकेज नहीं हुई। पानी जो होता है ना वो उसकी विस्कोसिटी बहुत ही ज़्यादा कम होती है तो पानी लीक कर जाता है, लेकिन दाल और सब्ज़ी वगैरह उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है तो वो लीक नहीं करता। इसी तरह से मैंने 3 कंपार्टमेंट वाले को भी चेक किया, इसमें भी कंपार्टमेंट के बीच में सेपरेशन नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये लंच बॉक्स अगर आप ड्राई चीज़ें देते हो अपने किड्स को तो ठीक है, लेकिन अगर आप लिक्विड कुछ भी देना चाहोगे तो ये आपके लिए नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, मूड ख़राब हो जाएगा, बच्चे खाएंगे नहीं लंच बॉक्स। किड्स के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लंच बॉक्स का रिव्यू किया हुआ है तो आप मेरे चैनल पर सर्च कर लेना, बहुत सारे लंच बॉक्स आपको मिल जाएंगे किड्स के लिए अच्छे, तो आप उनमें से कोई भी परचेज कर सकते हो। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको लंच बॉक्स कैसा लगा, कौन सा वाला बेस्ट लगा। इसके अलावा आप मुझे मेरे पर्सनल अपडेट्स की या फिर किड्स लंच बॉक्स आइडियाज़ के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय।